कहा जा सकता है कि वोट के लिए रंग है, तरंग है और सियासत संग है। बहरहाल चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोसा के कद्दावर नेताओं में शुमार हाल ही में बीजेपी की वैतरणी पर राज्यसभा के गलियारों तक पहुंची। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल सबसे आगे चल रहे हैं, एक के बाद एक कांग्रेस पर हमले बोले जा रहे हैं। खासकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट उनके निशाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने सियासी बयानबाजी को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा फिर चर्चाओं में है। हाल ही में किरोड़ी ने कहा था कि राजस्थान चरागाह नहीं है जो बाहरी नेता आए और चर के चले जाए। इस बयान से किरोड़ी ने प्रदेश की राजनीति में एक नया सगुफा छोड़ दिया है। डॉक्टर मीणा का कहना है कि अब तक प्रदेश की जनता ने कई बाहरी नेताओं को सिराखों पर बिठाया है, लेकिन उन्होंने प्रदेश का कोई विकास नहीं किया। आरोप है कि चाहे कांग्रेसी नेता बूटा सिंह हो या फिर पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट या फिर बलराम जाखड़ हो या पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, डॉक्टर मीणा का कहना है कि उन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर मीणा का दावा है कि विकास की बात केवल भाजपा शासन में हुई है, ऐसे में अब राजस्थान को चरागाह नहीं बनने दिया जाएगा। डॉक्टर मीणा का बयान कहीं न कहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट की ओर भी इशारा करता है। पायलट ने बेशक राजनीति राजस्थान से व दौसा से शुरू की, लेकिन मूलतः यूपी के रहने वाले हैं। डॉक्टर मीणा का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें पायलट के गांव का भी पता नहीं है। तो ये जो बाहर के लोग जितने भी आए, ये अच्छे अच्छे पदों पर रहने के बावजूद भी राजस्थान का विकास नहीं हुआ। बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, उनका कोई लगाव इस जमीन के प्रति नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा था कि बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के रहे हैं, अब राजस्थान को चरागाह नहीं बनने दिया जाएगा। जो चर के चला जाए और इलाके को बर्बाद कर जाए, उसका विकास नहीं करें। डॉक्टर मीणा के इस बयान से चाहे सचिन पायलट पर असर होगा या नहीं, लेकिन फिर से भाजपा में शामिल हुए किरोड़ी मीणा सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब हो रहे हैं। किरोड़ी मीणा के पास भाजपा की नैया के खिवैया साबित करने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। इसको लेकर कांग्रेस के कप्तान पायलट निशाने पर हैं। किरोड़ी ने एक समाज के जरिए चुनाव जीतने को लेकर पायलट पर कटाक्ष किया है। गौरव यात्रा में भी किरोड़ी सीएम राजे के साथ रहे। भाजपा के पास एसटी मतदाताओं के अपनी ओर ध्रुवीकरण में किरोड़ी का कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी के कारण सब दल एक जगह बैठ रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं अकेले के सामने, और दूसरी तरफ हमारे पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि मेरा समाज साथ दे जाए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ कबड्डी खेलने के लिए। अब कबड्डी में तो 7 खिलाड़ी होते हैं, आप उसमें अशोक गहलोत को भी शामिल नहीं कर रहे, सीपी जोशी को भी नहीं कर रहे, बहुत जी तो अकेला एक पाड़ी फोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कॉमन लीडरशिप है। खासकर पूर्वी राजस्थान के एसटी वोटों को कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े माने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी अपने इसी मिशन में लगे हैं कि कैसे भी हो एसटी मतदाता हर हाल में कांग्रेस से दूरी बनाए और भाजपा के पाले में आए। साथ ही किरोड़ी मीणा पर अपने परिवार के सदस्यों की सीट निकलवाने का भी जिम्मा रहेगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा।